नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। वैसे तो आज मंगल है, लेकिन मंगल के दिन महाराष्ट्र में राजनीतिक दंगल जोरों पर है। महाराष्ट्र का सियासी घालमेल राष्ट्रपति शासन तक पहुंच गया है। कल की तरह आज भी दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने को लेकर कोई रोड मैप नहीं बन पाया। सूत्रों के की माने तो एनसीपी ने कांग्रेस को 5 साल के लिए डिप्टी सीएम पद ऑफर किया था। उधर उद्धव ठाकरे ने भी अपने विधायकों से कुछ देर पहले मुलाकात की, जहां पर बहुत विरोध भी है। शिवसेना तो राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कपिल सिब्बल के सहारे। शिवसेना सवाल पूछ रही है कि राज्यपाल ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया, जबकि बीजेपी को 48 घंटे का समय दिया गया था। ये बात और है कि शिवसेना नेता संजय राउत 14 बार ये दावा कर चुके थे कि उनके पास बहुमत है या फिर बहुमत से ज्यादा विधायक है। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का फैसला राजनीति से प्रेरित है, यानी दावे बड़े बड़े किए गए लेकिन निकला कुछ नहीं। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार। कुर्सी के लिए घमासान, न माया मिली न राम। शिवसेना शरद पवार के पास गई, शिवसेना कांग्रेस के पास गई, और शाम ढलते ढलते शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की तिकड़ी का तिकड़म सत्ता के लिए कामयाब होगा या नहीं। पहले सोनिया जी ने ही फोन किया, मैडम ने ही फोन किया पवार साहब को, और तब तक कुछ लेटर वगैरह उनके पास भी तैयार नहीं था। बिना तीन पार्टी के साथ में आए कोई पर्याय सरकार बन नहीं सकती। सभी लोग जब तक सत्ता में सहभागी नहीं होंगे तब तक महाराष्ट्र में कोई स्थिर सरकार नहीं बन सकती। कांग्रेस क्या करेगी ये मैं नहीं कह सकता, नाराजगी तो सभी लोगों की है, लेकिन जिस तरीके से बातें चल रही है वो लोगों को पसंद नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी, यानी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राज्यपाल संविधान का पालन नहीं कर रहे, राज्यपाल संविधान की धज्जियां उड़ाने में उतर आए हैं। राज्यपाल संविधान के सेवादार नहीं बल्कि केंद्रीय सरकार के सेवादार कहीं ना कहीं दिखते नजर आ रहे हैं। राज्यपाल महोदय का जो है ये डिसीजन जो है गलत है, और ये महाराष्ट्र के जनता के ऊपर अन्याय करने वाला डिसीजन है। जनता ठगी हुई महसूस कर रही है उसके लिए, पर हमने अपनी जवाबदारी निर्वहन की। हम जो थोड़ा भी विश्वास नहीं रखते, और इसलिए जिसको सरकार बनाना है बनाए। वहीं कांग्रेस भी शिवसेना को समर्थन देने के नाम पर बंटी नजर आई। कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने नए गठबंधन को हरी झंडी दिखाई तो शिवराज पाटिल ने इसे गलती बता दिया। आइडियोलॉजी वगैरह सब डिफरेंसेस पहले थे, लेकिन अभी थोड़ा स्मूथनेस आता है। मैं उसको कहेंगे कि हम लोग जो है कहीं तो भी थोड़ा थोड़ा गलती कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच सवाल ये है कि सबने एकजुटता के दावे किए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए विचारधारा तक को ताक पर रख दिया, लेकिन हाथ किसी के कुछ नहीं लगा। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस आर पार में। कुर्सी के लिए घमासान, न माया मिली न राम। और अब महाराष्ट्र के सियासी घालमेल का जोरदार विश्लेषण सुनिए। एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की एकजुटता वाले दावे खोखले निकले। शिवसेना का साथ देने से एनसीपी और कांग्रेस कतराती रही, अंत तक चिट्ठी अभी तक नहीं पहुंची है। कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना को उसी के खेल में फंसा दिया। मैं बहुत इधर उधर की नहीं बात करता, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या पुत्र मोह ने शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा, यानी आदित्य ठाकरे के मोह ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा पॉलिटिकली, ये बात आज संपूर्ण रूप से चर्चा इसकी हो रही है। उसके बाद शिवसेना ना एनडीए की रही ना ही यूपीए में एंट्री मिली, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या शाह की शह और मात में पूरा विपक्ष चित हुआ है, यानी ये रणनीति कहीं और से चल रही थी और पूरा विपक्ष इसके आगे चित हो गया है महाराष्ट्र का, ये बात है, या फिर पवार का पावर गेम है। मैं सीधा रुक करता हूं अपने पैनल का। डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की ओर से
मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी कल इस डिबेट में आने से कतरा रही थी, आज ज्वाइन कर रही है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक रहे, राजनीतिक विश्लेषक हैं जाने माने, उनका अभिनंदन है। शैलेश पहले इंट्रोड्यूस करता हूं, राजीव झा से, नेता एनसीपी के अभी भी फोन में लगे हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कहीं से समर्थन आ जाएगा, नहीं तो मिल जाएगा। मेरे साथ एक और हैं शिवसेना के पांडे साहब, शैलेश पांडे साहब, ये भी फोन में मशरूफ हैं, इन्हें भी उम्मीद है कि कहीं चिट्ठी आ जाए तो कुछ बड़ा खुलासा कर दें, तो इनकी भी हमें इंतजार रहेगा। रामकृपाल सिंह मुस्कुरा रहे हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन आज बहस की शुरुआत संबित पात्रा के साथ। संबित पात्रा, आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहता हूं, कल आप कतरा रहे थे, आज आप मुस्कुरा रहे हैं। निकल कतरा नहीं रहे थे, कल हम ऑब्जर्व कर रहे थे, दर्शक दीघा में बैठ के देख रहे थे कि आखिर स्टेडियम में हो क्या रहा है। हमने देखा कि कोई निकल रहा है मलाड तक जा रहा है, कोई निकल रहा है विरार तक जा रहा है, कोई निकल रहा है और राजभवन तक जा रहा है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद कुछ हुआ नहीं, ये हम दर्शक दीघा में बैठ के देख रहे थे, कतरा बिल्कुल नहीं रहे थे। कतराने वाले आज कतरा रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर्स, हास्यास्पद त्रुटियां, हुआ तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, मगर ये महाराष्ट्र की जनता के प्रति किस प्रकार का धोखा है आप जरा सोचिए। हम तो मुस्कुरा रहे हैं, मगर महाराष्ट्र की जनता आज कितनी दुखी होगी, कितनी चिंतित होगी कि उन्होंने इतने बड़े इलेक्शन में आपने गठबंधन बनाया था और आपने नारा लगाया था कि दिल्ली में नरेंद्र है, मुंबई में देवेंद्र बैठेंगे, लेकिन शिवसेना ने आपका साथ छोड़ दिया, तो कुछ तो गलती आपकी भी रही। मैं आज भी शिवसेना के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं मैं बताता हूं अमीश भाई, आज भी मैं शिवसेना के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, गुंजाइश है, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। जिनके साथ 30 साल हम नहीं जिनके साथ याद करिए 2014 में हम पृथक पृथक मार्ग में गए थे, अलग अलग हम हो गए थे, मगर फिर भी उस समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बाला साहेब जी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ हम कभी नहीं कहेंगे। 30 वर्षों तक हमने एक दूसरे का दामन संभाला है, एक दूसरे का साथ दिया है, इस प्रकार हम सत्ता के भूखे नहीं, सम्मान देना केवल सत्ता के लिए। राजीव जी आपका नंबर आएगा, राजीव जी आपका नंबर आएगा, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, सहयोगियों को सम्मान की मैं बात बिल्कुल करूंगा, आपने बिल्कुल जायज पॉइंट उठाया। संबित पात्रा 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर राजीव झा आतुर है कुछ बात कहने के लिए, वारिस प्रधान भी मुझे ज्वाइन करेंगे। संबित पात्रा जी आपके दुख को समझ रहे हैं, संबित पात्रा जी आपके दुख को समझ रहे हैं, आप भी चल ठीक है, आप भी हमारे भाई ही हैं, ठीक है। मैं बोल लूं सर, मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। जी जी जरूर जरूर जरूर, स्वागत है आपका, स्वागत है, अभी अमीश भाई ने मुझे शिवसेना के बारे, स्वागत है सर आपका, आपका स्वागत है, मुझे अभी शिवसेना के मुस्कुराते हुए आपका स्वागत कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन का भरपूर उपयोग कीजिए हॉर्स ट्रेडिंग में, लोगों को संवैधानिक संस्थाओं का डर दिखा करके तोड़िए। अमीश भाई ये आम आदमी पार्टी का स्पोक्सपर्सन कहां से आ गया है, राष्ट्रीय सचिव आप बड़े आदमी है, मगर आपको व्यवहार भी बड़े आदमी पार्टी को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत बड़े दर्शक दीर्घा में है, आप ठीक है, आप तो दर्शक दीर्घा में है, आप तो मुख्यमंत्री भी बने। राजीव झा जी जनाब, मुख्यमंत्री बने हैं, आप बोलिए। नहीं राजीव झा जी, जी मैं चुप रहता हूँ, अमीश भाई मैं चुप रहता हूँ, नहीं बिल्कुल आप बोलिए, मैं चुप हूँ, मैं बोलने से नहीं रोक रहा, मैं चुप हूँ। एनसीपी बीजेपी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बीजेपी दर्शक दीर्घा में बैठे खेल ये खेलेंगे सारा, ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। मैं इन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूं एनसीपी का, मैं तो बधाई देता हूं, देखिए हम तो छोटे लोग हैं, ये बहुत बड़े आदमी हैं, मगर व्यवहार भी बड़प्पन का होना चाहिए ना, छोटे लोगों के बीच में चिल्लाना, उनको उकसाना, नहीं बोलने देना, ये बड़प्पन की निशानी नहीं होती है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार ना करें, ये इतने बड़े पार्टी के इतने बड़े अधिकारी हैं, कृपया हाथ जोड़ता हूं मैं, आप ऐसे मत करिए। और वैसे भी अभी आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है, इतने बड़े व्यक्ति को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है, थोड़ा सा रुक जाइए। ये दरअसल नाराज हो गए, इनको लगा कि संबित पात्रा जी अभी बहुत कुछ गाली देंगे शिवसेना को, उनके शिवसेना के विरुद्ध में बोलेंगे, तो फिर ये नाराज हो गए। जब मैंने कहा कि मैं अभी उनके खिलाफ नहीं कहूंगा तो हमारे भाई नाराज हो गए, नाराज मत होइए। देखिए अमीश भाई, मैं कुछ लिख के लाया, ये 175 विधायक हमारे साथ हैं,
सर हाँ ठीक है। अमीश भाई, किसी ने कहा था कि 175 विधायक हमारे साथ हैं, जब हमें गवर्नर बुलाएंगे तो हम सब चिट्ठी लेके जाएंगे। ये संजय रावत जी ने, आदरणीय संजय रावत जी, उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, उन्होंने कहा था कि, ये आज नहीं कहा था, ये जब 24 तारीख के बाद 5 दिन भी गुजरे थे, 5 दिन के बाद उन्होंने कह दिया था कि हमारे पास 175 विधायक है, 145 चाहिए इनको, इनके पास तो और 30 अधिक थे, तो हमने तो नहीं रोका। आप बिल्कुल उनके पत्र लेके जाते, हाँ वो 14 बार 24 बार करें, हम तो नहीं रोक सकते हैं। तो ये 175 विधायकों की चिट्ठी को लेकर कल गवर्नर के पास जाना था। आप देखिए, हमने रोका क्या? आदर देखिए, ये मातोश्री से निकलकर माताश्री तक जाते थे, चिट्ठी मांगते थे, हमने रोका क्या? हमने तो नहीं रोका कि सोनिया जी चिट्ठी ना दे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने फोन किया सोनिया जी को कि आप चिट्ठी मत दीजिए? मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। जी संबित, लेट शैलेश पांडे का मिनट। ठीक है शैलेश पांडे, ठीक है सर, आज की स्थिति क्या है, उनको भी समय दीजिए। फोन में देख रहे थे समर्थन का पत्र आया या नहीं आया, लेकिन आप कपिल सिब्बल के द्वारा जरूर पहुंच गए, वकील भी आपको कपिल सिब्बल मिला दिल्ली के अंदर। जी देखिए अमित जी, मैं पहले थोड़ा सा इनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। आज मुझे एक पंक्ति याद आती है कि आस्था व विश्वास की नींव हिल चुकी है, सत्य ईमान मानवता को राजनीति निगल चुकी है। जिस तरह से पिछले 17 दिनों से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही थी, और आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के लिए एक ही बहुत ही काला दिवस मैं कहूंगा। जिस तरह से मैं समित जी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके ही पार्टी के अर्थमंत्री सुधीर मंगेट्टीवार जी रिजल्ट आने के चौथे दिन ही स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आपके ही वहां के पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल जी ने स्टेटमेंट दिया था, कार्यकर्ताओं तैयार रहो, कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आखिर में ये जो स्टेटमेंट आपके मंत्रियों द्वारा, आपके बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए, ये किस कारण से दिए गए? और दूसरी बात, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी आखिर तक, उनका आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनकी बात को ध्यान रखिए, जो आप बोल रहे ना यहाँ गए वहाँ गए, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मैं किसी के भी संपर्क में नहीं था, मैं किसी से भी मेरी बात नहीं हुई है। उल्टा उन्होंने ये कहा कि अहमद पटेल पांडे जी, ये संजय राउत किसके नेता थे जिन्होंने 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? किसी से बात, संजय राउत किसके नेता थे जिन्होंने 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला लगातार भारतीय जनता पार्टी का इंतजार करते रहे, 175 विधायकों का समर्थन है, वो लेकिन 75 नहीं जुटा पाए वो संजय राउत। पूरी हो जाने दीजिए, वो संजय राउत 75 नहीं जुटा पाए, उनकी तबीयत खराब है, ईश्वर उनकी तबीयत को जल्दी स्वस्थ करे, लेकिन वो लीलावती अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो 75 नहीं जुटा पाए। तो इसका जवाब क्या है? भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके बैठे हैं। बाला साहब की सेना सोनिया गांधी और पवार साहब के भरोसे है, सबका विश्वास करती है ना। ना आज बतौर शिवसैनिक आपको कैसा महसूस होता है कि उन्होंने जो वादा किया था, पवार साहब के भरोसे है, सोनिया गांधी के भरोसे है, अहमद पटेल के भरोसे है, फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बाला साहब का पोता आदित्य ठाकरे गवर्नर हाउस में खड़ा रहा, अंदर की बात सुनिए, समर्थन नहीं आया, पहले 4 बजे आ रहा था, फिर 5 बजे आ रहा था, फिर 6:30 आ रहा था, फिर 7 बजे आ रहा था, क्यों नहीं आया समर्थन बताइए ना? कल आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे 4 बजे से लेके 7 बजे तक 3 घंटे इंतजार करते रहे, फोन करते रहे, समर्थन नहीं आया भारतीय जनता पार्टी, समर्थन नहीं आया कांग्रेस और एनसीपी से। आपको समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस और एनसीपी ने आपको लटका दिया है, विचारधारा की पार्टी 30 साल से हमारा गठबंधन। आप बड़ा भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्धव जी को 2 बार बोले हमारे छोटे भाई है, तो फिर बड़े भाई के नाते बड़ा दिल क्यों नहीं किए? आपने जो वादा किया था अमित भाई शाह आदरणीय, उनको तो सामने आना चाहिए था, उनको तो कहना चाहिए था सच्चाई। ठीक है, आपने डायरेक्ट सवाल उठाया, समित से जवाब सुनिए, उनको अपनी बात। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान और आचार्य प्रमोद कृष्णम और रामकृपाल सिंह इंतजार कर रहे हैं, समित रिस्पॉन्ड टू इट क्विकली। समित देखिए, पहला प्रश्न जो शैलेश पांडे जी का था, शिवसेना का था, कि सुधीर मुंडकंटीवार जी ने आज से चंद दिनों पहले ये क्यों कहा कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, कुछ लोगों ने ये क्यों कहा कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, इसलिए कहा, आप याद करिए, माननीय उद्धव ठाकरे जी का जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पहले दिन 24 तारीख को उद्धव ठाकरे जी ने पहले ही दिन कहा कि हमारे लिए तो सारे ऑप्शंस ओपन है। जब उनसे पूछा गया क्या आप केवल बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, वरना हमारे सारे ऑप्शंस ओपन है। देखिए पांडे जी, बुरा मत मानिएगा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लक्ष्मण रेखा लांग करके एनसीपी और कांग्रेस के पास जाके गिड़गिड़ा नहीं सकती है,
हम नहीं जा सकते, इसलिए उपाय क्या था? आप बताइए और कोई उपाय है क्या? बात तब आपके बगैर हम कहीं जाएंगे नहीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने यह बयान दिया सर, कि मुख्यमंत्री मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं और उद्धव जी को इस बात की तकलीफ हुई कि आप लोगों ने वादा किया था। आप भगवान राम जी, मैं भी बीच में बोल सकता था, मुझे लगता है डिबेट के बीच में एक दूसरे के ना बोले तो अच्छा रहेगा, वचन निभाना चाहिए था संबित जी आपको। हाँ बोलिए 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 संबित, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ठीक है, देखिए अमीश भाई, बड़ा आश्चर्य की बात है। देखिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, 30 वर्षों के हम साथी आज डिबेट में तूतू में ना करें और शालीनता के साथ एक दूसरे की बात रखें तो अच्छा लगेगा। आज पांडे जी अगर एनसीपी के साथ नजर आएंगे, कांग्रेस के साथ नजर आएंगे, 30 वर्ष का साथी, मुझे अच्छा लगेगा क्या? इसलिए मैं आराम से कंप्लीट करूं। देखिए आपका ये कहना कि अमित शाह जी ने कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ आपको वचन दिया था, अगर वचन दिया था तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ये जो कहा गया अमित शाह जी ने, मोदी जी ने भी बाद में सभा में कहा कि यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीतने पर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, किसी ने इसका काट नहीं किया, ना मुख्यमंत्री होने पर उद्धव ठाकरे जी ने कहा, ना आदित्य ठाकरे जी ने कहा, ना सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को यह वचन दिया है कि मैं इस बार अपने एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। वो तो सार्वजनिक तौर से उन्होंने प्रेस में चुनाव के दरमियान कहा था, संबित जी मुझे याद है अच्छी तरह से। जी देखिए मुझे मुझे एक सेकंड, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, मुझे बताइए उद्धव साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो किस आधार पर दिया था? वो इसी आधार पर दिया अब आप आगे बढ़ गए ना, अब आपने समर्थन मांगा, कल आप दर पे थे कांग्रेस की और एनसीपी के समर्थन मांगने के लिए, लेकिन उनके लेटर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आया क्या? आप फोन में देख भी रहे थे पांडे जी, लेटर आया क्या? आखिरी मेरी खबर है लेटर नहीं आया, और मेरे पास खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी सरकार में अगर शामिल होगी तो उसको सवा साल की का मुख्यमंत्री पद चाहिए, सवा साल का संभावनाएं तलाशना, नहीं आपने नहीं, सवा साल का मुख्यमंत्री पद चाहिए कांग्रेस पार्टी को। आपको अगर मुख्यमंत्री पद मिलेगा भी तो पौने दो साल का मिलेगा। आज महाराष्ट्र की स्थिति है, 250 जिलों में जिलों में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उस पर ही बहस नहीं है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को रखता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम गवर्नर की भूमिका पे कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। क्यों हमें कोई रुकिए पांडे जी, पड़ेगा कि नहीं पांडे जी रुकिए, महाराष्ट्र की जनता को हम ऐसे ही रस्ते पे तो नहीं छोड़ सकते, नहीं तो शिवसेना हमेशा से ही। तो फिर आपने जब आपने गठबंधन किया था, जब आपने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, जब उसके नाम पे वोट मांगे थे, तब कहते हमें उनके नाम पे वोट नहीं चाहिए, तब आप ना मांगते उनके नाम पर वोट मांगे ना आपके कार्य, आपके विधायकों ने वोट कमिटमेंट कमिटमेंट भी कमिटमेंट की बात नहीं है, तो देवेंद्र फडणवीस के काम पे वोट क्यों मांगे आप लोगों ने किया था? तो निर्णय आप लोग करते पहले पहले आप लोगों ने अपना अलायंस करा, फिर अलायंस की बात नहीं होती है। जब गठबंधन होता है तो सारे नेता गठबंधन तय करे क्या उनको क्या करना है, लेकिन मैं कांग्रेस का रुख करता हूं। रुकिए बाप के नाम पे मांगे पांडे जी, आप इकलौते नहीं है, ऑडियो डाउन करिए, भाजपा ने ऑडियो डाउन करिए। अब आप मैं सीधा आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं, आचार्य जी आप लोगों को गवर्नर पर सवाल क्यों है? देखिए शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जनता ने वाकई उनको एक तरह से सरकार बनाने का मैंडेट दिया, लेकिन ये दायित्व तो बीजेपी का बनता था, शिवसेना का भी बनता था कि वो एक सशक्त सरकार देते, पर वो तो नहीं, पर वो समय बीत गया। जहां तक शिवसेना पर सवाल बीजेपी कर रही है कि इनकी वादा खिलाफी है, शिवसेना बीजेपी पर कर रही है इनकी वादा खिलाफी है, लेकिन अगर शिवसेना मुख्यमंत्री का पद मांग भी रही थी तो 5 साल चीफ मिनिस्टर उन्होंने इनका बना के रखा, तो बीजेपी को भी जनता के हित में फैसला लेना चाहिए था कि भाई ठीक है शिवसेना को, लेकिन ये इनका इंटरनल चिट्ठी कल क्यों नहीं दी, ये इनका इंटरनल मैटर है। ठीक है, शिवसेना का आपके साथ कुछ खेल है? नहीं खेल नहीं है, राजनीति में प्रयास का खेल है, राजनीति में प्रयास होता है। आपने चिट्ठी क्यों नहीं दी 7 बजे तक? मेरी जवाब तो सुने ना, अब सवाल उठता है कि जो आज का दिन है वो महामहिम राज्यपाल महोदय ने ऐसा डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं कि गवर्नर ये कहे कि 8:30 बजे तक का आपको समय दिया जाता है और 4 बजे राष्ट्रपति शासन की रिकमेंडेशन कर दे, ये इस बात पर ये सवाल उठता है। इसका उत्तर मैं देता हूं ना, एक मिनट समय जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, हमें भी बोलने दें। राज्यपाल महोदय ने समय दिया खुद, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, तो 8:30 बजे तक का
इंतजार तो करना चाहिए था। तो ये उनकी नीयत पे संदेह प्रकट करता है, इसलिए गवर्नर के निर्णय पे सवाल है। गवर्नर साहब को हम ये नहीं कह रहे कि साहब वो अभी बुलाते तो सरकार इन्हें बना दो उन्हें बना दो, 145 एमएलए का समर्थन जिस पे होगा गवर्नर को उनको सरकार बनाने तो का मौका तो देना पड़ेगा। बट नहीं ऑप्शन खुली है शासन, लेकिन लग रहा है लेकिन अगर आप नंबर मेरा देंगे तो सरकार बना लीजिए, बना लेंगे लेकिन चिट्ठी दे दीजिए। अरे फिर एक राज्य के गवर्नर की बात का यकीन सब करते हैं, उन्होंने 8:30 का समय दिया है नहीं दिया, कम्युनिकेट किया एनसीपी को चिट्ठी दी 8:30 का समर्थन दिया एनसीपी ने, कल क्या कम्युनिकेट किया पता तो करिए। अरे भाई आप गवर्नर से सवाल क्यों नहीं करते, भूमिका में अभी तक सवाल ही नहीं खड़ा करा। ये इतिहास में डेमोक्रेसी की हत्या है और मैं इसको ओपनली कह रहा हूं, इसमें केंद्र सरकार का दबाव नजर आता है। आप 8:30 तक की प्रतीक्षा करते, एनसीपी का जब जवाब नहीं आता तो राष्ट्रपति शासन की सवाल उठेगा। रिस्पॉन्ड, मैं जवाब देता हूं जी। देखिए पहले कि गवर्नर ने 8:30 तक का समय एनसीपी को क्यों नहीं दिया, मुझे लगता है शायद प्रमोद जी समय दिया देख नहीं पाए होंगे या ये खबर उनसे छूट गई होगी। एनसीपी का एक प्रतिनिधि मंडल जाके गवर्नर से मिला, उन्होंने कहा जो आपने 48 घंटे कल 8:30 तक का समय हमें दिया है उस समय अवधि में हम किसी प्रकार का काम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ये जो समर्थन की चिट्ठी लाना है ये पूरा नहीं कर पाएंगे, हमें और 48 घंटे बढ़ा दीजिए। गवर्नर ने कहा शिवसेना को भी बढ़ा के नहीं दिया, आपको भी बढ़ा के नहीं दूंगा, तो बात वहीं तय होगी। क्योंकि एनसीपी ने स्वयं कहा अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से कि हम उस डेडलाइन में 8:30 के डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएंगे, हम ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक है नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है। बात ये नहीं है, चलिए गवर्नर खराब है, बीजेपी खराब है, सब खराब है, सोनिया जी चिट्ठी देने से तो हमने नहीं हाथ पकड़ा जी, जवाब क्यों नहीं दिया, अभी भी क्यों नहीं दिया, एनसीपी ने भी चिट्ठी नहीं दिया है, एनसीपी को हमने रोका है चिट्ठी देने से, कल 7:30 दोनों सोनिया जी लिख लेती और एनसीपी लिख देती चिट्ठी, दोनों क्यों चिट्ठी नहीं लिखे बताइए, इसमें हमने रोका है क्या। देखिए ऐसा है कि आप गवर्नर का बचाव कर रहे हैं क्योंकि आपको बचाना है, क्योंकि उन्होंने आपके निर्देशों का या इशारों का पालन किया है। मेरा सवाल वहीं खड़ा, 8:30 तक उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था 4 घंटे में, ठीक है, लेकिन आपने एक सफाई पेश की है, आपने एक भीतर की बात बताई है कि साहब एनसीपी ने उनको जो कहा उस पर उन्होंने अमल किया। अब दूसरा सवाल उठता है, न्यूज में आ रहा है एनसीपी ने भी बोला है, ये कोई भीतर की बात नहीं है, एनसीपी ने गवर्नर के रोल पे बाय द वे कोई सवाल नहीं खड़ा करा अभी तक, ये सिर्फ कांग्रेस ने सवाल खड़ा करा है। नहीं, अगर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है तो कौन सी आफत है, कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का अधिकार है। नहीं, सुनिए, कांग्रेस सरकार में शामिल होना चाहती है नहीं होना चाहती है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपनी समझ से बोल रहा हूँ, मुझे कांग्रेस के किसी नेता ने तो नहीं कहा कि साहब आप जाके वहां ये बोलिएगा। मेरे मन में ये बात उठ रही है कि गवर्नर को 8:30 तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। अब संबित पात्रा जी ने जवाब दे दिया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो काम बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया, कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जो जनता से उन्होंने वादा किया था, तो कांग्रेस पार्टी को और एनसीपी को एक शिवसेना से मिलकर सरकार बनानी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ बनानी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत पैदा हो रही है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता इसमें कोई बात कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो गलत है। कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जनता के साथ न्याय करना चाहिए और शिवसेना की सरकार बने, एनसीपी की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, तो बनानी चाहिए। आप लोग बनाइए, ये थोड़ी बीजेपी थोड़ी आपकी सरकार बनवाएगी, कैसी बात कर रहे चाह रही जी, आप इतने पॉलिटिकल आदमी है। ये संबित पात्रा, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, उधर से मुंगटीवर साहब, ये तमाम लोग आपकी मिलकर सरकार बनवाएंगे। नहीं क्या आप, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि सेना एनसीपी और कांग्रेस को बीजेपी बिठा के बोले कि आप सरकार बना लीजिए, हम सरकार नहीं बना पा रहे, ऐसा होता है क्या? देखिए बीजेपी आपको रामकृपाल जी के पास भी जाइएगा। देखिए बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या केंद्र सरकार, जितने भी वो धड़े हैं सब चाहते हैं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री ना बने, सब चाहते हैं। आप चाहते हैं शिवसेना का मुख्यमंत्री बन जाए? मैं तो चाहता हूं बिल्कुल शिवसेना को मुख्यमंत्री। कांग्रेस नहीं चाह रही ना? बाला साहब ठाकरे का इतना बड़ा योगदान है महाराष्ट्र की जनता के लिए। सुनिए, बाला साहब ठाकरे ने कितनी बार बीजेपी की सरकार बनाई है, पूरी पार्टी डिवाइड हो जाएगी। आंध्र में कांग्रेस कह रही है हम डिवाइड हो जाएंगे, क्यों डिवाइड हो जाएंगे? क्यों डिवाइड हो? आंध्र कांग्रेस ने चिट्ठी लिखी है, आंध्र कांग्रेस से पूछिए, कैसी बात है? केरल कांग्रेस, मैं कैसे, जब ये आंध्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पूछिए, भारतीय केरल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाती है तो कम्युनल नहीं होती है, तो शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी कम्युनल कैसे हो जाएगी? कितनी खिंचाई कर रहे हैं ये, आपके अध्यक्ष लिखा है चिट्ठी, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आज भी उनसे मैंने स्वयं सवाल पूछा,
पीडीपी के बारे में क्या भाई, मैं जवाब देता हूं ना, उन्होंने बोला हां अमित भाई मैं जवाब देता हूं, हम मानते हैं अगर उस गलती को अगर बीजेपी अननेचुरल अलायंस करे तो ठीक है, कांग्रेस गलत था, हमने सवाल उठाया सर, ये रामकृपाल सिंह स्टूडियो में बैठे, इन्होंने सवाल रोका है आपको अननेचुरल अलायंस करने से, करिए ना, नहीं शिवसेना से बिल्कुल शिवसेना से अलायंस करना शिवसेना अछूत है तो बीजेपी ने सरकार क्यों चलाई उसके साथ मिलके, अगर शिवसेना अछूत है क्या शिवसेना अछूत है, शिवसेना को जनता ने वोट दिया, सर पे बिठाइए, किसने मना करा, तो शिवसेना को सर पे बैठाइए, शिवसेना को सर पे बैठाइए, ठाकरे की पार्टी, ठाकरे की पार्टी, अगर बीजेपी की सरकार बनवाती है तो ठीक है, और अगर कांग्रेस से मिल जाती है तो अछूत हो जाती है, ये कैसी बात है, मुझे समित क्विकली रिस्पॉन्ड, मेरे को वारिस फरहान माफ करिए, मैं आ रहा हूं आपके पास, रामकृपाल जी माफी चाह रहा हूं, आचार्य देखिए आचार्य प्रमोद कृष्ण हम पे नाराज हो रहे हैं कि केरला कांग्रेस ऐसे क्या कर सकती है, हम क्यों टूटेंगे, आंध्रा कांग्रेस क्यों टूटेगी, ये हम पे क्यों नाराज हो रहे हैं, आप पलम राजू जी से पूछिए, केरला कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछिए, उन लोगों ने सोनिया जी को चिट्ठी लिखा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप अगर चिमटे से भी स्पर्श करिएगा शिवसेना को तो हम यहां बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, अगली बार राहुल गांधी यहां से भी हार जाएंगे, तो आप हमें क्यों डांट रहे हैं, आप उनको पूछिए ना, कांग्रेस अपने ही मित्रों को पूछिए फोन करके। दूसरी बात है, आप देखिए 19 दिन हो गए, 19 डेज हो गए आज, सारे कांग्रेस के ये जो विधायक थे वो 44 विधायक जाके जयपुर में एक होटल में वो क्या कर रहे थे, सुबह से शाम तक डोसा इडली खा रहे थे खाली, ये 19 दिन तक क्यों नहीं चिंता कर रहे थे कि किस प्रकार सरकार बनेगी, सब लोग बैठे हुए थे, यही चिंता कर रहे थे, डरे हवाई जहाज में आप उड़ा के ना ले जाए, नहीं अरे वो तो बैठे हुए थे सब लोग, नहीं देखिए अमीश भाई ये देखिए मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है, ये करना कुछ नहीं है, फिक्र करना है और फिक्र का जिक्र करना है, केवल फिक्र, हाँ सरकार बननी चाहिए और फिक्र का जिक्र टीवी पे करना है, क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक तरीके से अपना कोई निर्णय ले रही है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, चिट्ठी दीजिए, किसने मना देंगे ना चिट्ठी, वेट करो ना, अरे कब देंगे, लटका दिया उनको आपने, शिवसेना को एक ऐसी तार पे लगा लटका दिया, करंट आ रहा है, बोला अभी आपको छुड़ाते हैं, अरे 24 घंटे हो गए, अब 48 घंटे हो गए, उन्हें छुड़वा नहीं रहे अब आप शिवसेना का मजाक बना रहे हैं, भी मुस्कुरा रहे हैं आप शिवसेना का मजाक बना रहे हैं, नहीं मैं शिवसेना जिम्मेदार पार्टी है, आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, का इंतजार की, उनके वादा का इंतजार की, भाजपा ने वादा खिलाफी की, अभी एक दिन दो दिन में किसी नई पार्टी के साथ बातचीत शुरू होगा तो एक दिन में सारा चीजें हो जाती है, बिटे हुए आशिक की तरह बात, एक दिन में ही नई पार्टी, हमने इंतजार करा और इंतजार की बेला में, ये बिटे हुए आशिक की तरह, एक दिन में सारी बातें तय हो जाएंगी, बिटे हुए आशिक की तरह मत बात करिए, ये पॉलिटिक्स है सर, तो क्या आप लोग संजय रावत तो बोल रहे थे कि 175 एमएलए है आपके पास, एक सेकंड महाराज पांडे जी वो तो 10 दिन पहले संजय रावत ने बोला था 175 लेकिन रामकृपाल तौर से एक सेकंड पांडे जी आखिरी क्षण तक भारतीय जनता पार्टी का इंतजार कर रहे थे, डाउन करना पड़ेगा रामकृपाल जी, विवेचना विश्लेषण जब हम करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इस कहानी को एक शब्द में कहना चाहते हैं तो क्या है, लेकिन डिस्क्रेशन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, सर वन सेकेंड, वारिस पठान भी मेरे साथ है, रामकृपाल जी पहले आप बोलिए कि रामकृपाल, मेरा नाम रामकृपाल है और मुझे किसी से छीनना टाइम नहीं आता है, राजनीतिज्ञों को आता है छीन लो, सर तो कृपया मेरा नाम पुकारा गया इसलिए थोड़ी इजाजत दे दें, मैं केवल सिंपल सवाल पूछता हूं अमेश जी, ये मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट रूल लागू होने से फर्क क्या पड़ा है, आप 8:40 8:50 10 बजे रात तक भी 145 विधायक लेके जाइए, कहिए कि ये हम हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है, 25 मिनट से जो बात हो रही है, सवाल इस बात पर क्यों नहीं हो रहा है कि 170 विधायक की बात हो रही थी, 145 विधायक जाएं या उनके दस्तखत किया हुआ एक चिट्ठी चली जाए राज्यपाल के पास, प्रेसिडेंट रूल हो या देवेंद्र फडणवीस रूल हो, उसे क्या फर्क पड़ता है, सरकार बनाने में कौन रोक रहा है, देखिए सीधी सीधी बात यह है कि घर में झगड़ा हो रहा है तो बात बाहर न चली जाए, इसलिए पड़ोसी को गाली देना शुरू कर दो, ये बहानेबाजी है, मैं आज भी पूछ रहा हूं सर, आप सम्मानित लोग हैं, 145 विधायक अगर अभी रात को ले जाकर के कहें कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको सरकार बनाने से रोकेगी, क्या ऐसा कुछ है क्या,
अगर ऐसा है संविधान में कहीं भी है तो मुझे बताया जाए कृपया। आप सीधे आगे की बात कीजिए ना रामकृपाल जी, विकल्प आपके सामने है रामकृपाल जी, विथ ड्यू रेस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश नहीं होगी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पूरी बात कर लेनी है। इस बात की क्या गारंटी है? कह रहे हैं कि 50-50 का था ये कमिटमेंट, न तो सीटों की संख्या में पूरा हुआ, और जब पूरे महाराष्ट्र में जनता के सामने प्रधानमंत्री से लेकर हर आदमी कह रहा था देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तब भी आपकी गिग्गी पती हुई थी, नहीं कोई बोला कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं। तो सवाल इस बात का है, मैं इस पर नहीं जाता हूं। आज भी जी जी, अब तो बीजेपी बाहर हो गई ना, बड़ी खबर, बड़ी खबर, तो गेम से बाहर हो गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कह रही आज रात को अभी सुनवाई करनी चाहिए। कपिल सिब्बल की अगुवाई में शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, यानी कांग्रेस के वकील नेता के सहारे शिवसेना, बाला साहब की सेना आज कांग्रेस के सहारे है, यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आप मेरे साथ वारिस पठान है, वारिस पठान आपने तो क्लियरली बोल दिया ना, बीजेपी के साथ ना सेना के साथ, हम अपने दम पर है, चाहे दो है लेकिन अपने दम पर है। ये तो भारतीय वारिस पठान जी तो भारतीय जनता पार्टी की बीच में आधे घंटे से बिल्कुल सर, मैं माफी चाहता हूं उसकी, तो लिहाजा मुझे बोलने का मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए। राजीव जाए इंतजार करिए। देखिए अमित भाई, मेरे कुछ सवाल है संबित पात्रा से और शिवसेना के प्रवक्ता से, मेरे ही नहीं पूरे देश की कुछ जनता जानना चाहती है कि लोकसभा के चुनाव के पहले से ये प्री पोल अलायंस बीजेपी और शिवसेना का हुआ, साथ में लोकसभा लड़े, उसके बाद में विधानसभा का चुनाव आया, साथ में चुनाव लड़े, चुनाव के बाद ये सब शुरू हुआ। तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि 50-50 का फॉर्मूला हुआ था, आधी आधी सरकार में रहेंगे, ढाई साल सीएम तुम रहेंगे, ढाई साल सीएम मैं रहूंगा। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और अमित शाह तीन जन मीटिंग में मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, मगर इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीते, 105 बुलाए, 56 ये लाए। तो जनता के कुछ सवाल है, मेरा भी सवाल है कि ये बताइए सच कौन बोल रहा है, उद्धव ठाकरे बोल रहा है, देवेंद्र फडणवीस बोल रहा है, और अमित शाह साहब क्यों खामोशी साधे हुए हैं? क्योंकि जनता को जानना है, क्योंकि इसी यही तो पूरे फसाद की जड़ है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि इन्होंने इनके जो वादा किया था उससे वादा खिलाफी की, हमको नहीं दिया सीएम बनना, तो हम अब हमारे हिसाब से बनाएंगे सीएम। अब ये वक्त, ऐसा वक्त आया है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में बारिश आ गई, अनसीजनल रेन, पूरे किसानों की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी, आज उनका कर्ज माफ करना है। आज इस सिलसिले में, इस हालत में अगर दोनों पार्टियां जो आई लोगों के सामने, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के वोट लिए, आज उस बिचारी जनता का क्या कसूर है? उस जनता को दोषी क्यों? उनका क्या दोष है? आज किसान का शहीद करेगा, क्या दोष है बताइए मुझे? आपके अहंकार में आपको सत्ता बनानी है, आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। लालच की वजह से आज महाराष्ट्र परेशान है, तमाम वोटरों की पीठ में खंजर भोका है, वोटरों को बिट्रे किया है। देखिए आप लड़े चुनाव हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे, और आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मैं बात बताओ अमीश भाई, शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। सेक्युलरिज्म का नाम का पाठ पढ़ने वाले आज उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बेसिस पे पूरा चुनाव लड़ा, जिन्होंने कश्मीर आर्टिकल 370 की बुनियाद पे चुनाव लड़ा। मैं पूछना चाहूंगा गुलाम नबी आजाद से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कश्मीर के बारे में तो आपने बहुत कहा था और आज आप जाके शिवसेना के साथ समर्थन दे रहे हो, आपको कोई शर्म हया है? आप लोगों को क्या जवाब देना चाहते हो? लोगों ने इनका मुखौटा, इनका चेहरा देख लिया, पूरे महाराष्ट्र की आवाम ने, पूरे देश की आवाम ने देख लिया। जवाब राजीव जी, कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, राजीव जी जवाब दीजिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानती है, और कल मुझे अफसोस नहीं होगा कि कांग्रेस हिंदुओं को आतंकवादी कहती है, सत्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी खड़ी हो रही है महाराष्ट्र की स्थिति से, खामोश रहिए मुझे बोलने दीजिए, और महाराष्ट्र की कड़वी है, नजरअंदाज है, ध्यान रखते हुए 17 दिनों से आपने लोगों के मैंडेट ओबीसी इंसल्ट किया, बनाइए जो लोगों ने आपको वोट, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात है शिवसेना को कि वोट काटने का काम किसने किया, जो बेमौसम ओबीसी की भूमिका अदा की और आज प्रवचन बांट रहे हैं।
एनसीपी कह रही है वोट कटवा है और रहेंगे। कटवा की राजनीति किए और आज वोट कटवा की राजनीति किए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम किया और आज प्रवचन बांट रहे हैं आप। आज आप प्रवचन बांट रहे हैं, अपने गृहवान में झांक करके देखिए कि आपने क्या किया है। संपूर्ण हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति करते हैं आप, संपूर्ण हिंदुस्तान में वोट काटने की राजनीति करते हैं। जवाब 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 वोट काटने की राजनीति आप करते हो, वैसी वोट कटवा पार्टी और शिवसेना की बी टीम है। जवाब जवाब सेक्युलरिज्म का वोट कटवा है राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे आज भी अपने राजीव बोल दिया आपने, शांत रहिए। आप लोगों वोट कटवा, आप लोगों बीजेपी और शिवसेना की बी टीम, लोगों ने देख लिया आज ये बात, लोगों के सामने लोगों के डोमेन में बात आ गई कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस यही सेक्युलरिज्म के वोट कटवाए और बीजेपी और शिवसेना की बी टीम है। जवाब पांडे करने का काम संपूर्ण हिंदुस्तान में करते हैं आप, चुनाव में उम्मीदवार उतार करके सेक्युलर वोटों का बंटवारा करते हैं आप और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ओवैसी साहब को शर्म आनी चाहिए। वोट लिया सेक्युलरिज्म के नाम पे ना आप लोगों ने, और अब जाके समर्थन दे दिया शिवसेना को। सेक्युलर कहते हो रहे, मेरे पे मिनिस्टर चाहिए आपको, कॉर्पोरेशन में हिस्सा चाहिए आपको शिवसेना के साथ। अरे तीन पन्ने का लेटर भेजा है, कोई सेक्युलरिज्म नहीं है, तीन पन्ने का लेटर है। सुनिए, हर चार एमएलए पे आपको एक मंत्री पद चाहिए, कांग्रेस ने लेटर में लिखा है, कॉर्पोरेशन में आपको भागीदारी चाहिए। यानी वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ आप चले गए, सेक्युलरिज्म के वोट कटवाए आप और हम पे इल्जाम लगा रहे थे। आज तक देश ने देखा कि आप बीजेपी और शिवसेना की बीटिंग राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से डिफाइन किया है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, आपने सर्वधर्म की लोगों ने देखा, सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू मुस्लिम देश में चल रहा है। आप लोग जाके शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हो, आप शिवसेना और बीजेपी तो राम और श्याम है। संजय भाई का पार्टी हिंदू की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर लड़ चुका है और आप अभी मेरे को सिखा रहे हो एआईएमआईएम, आप अभी भी मुझे भाषण दे रहे हो मुसलमान के नाम पर। अरे शर्म वरम कुछ है कि नहीं है, भ्रमित कर शर्म आनी चाहिए। काम करते हैं सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेते हो मुसलमानों का, दलितों का, और जाके देते हो हिंदुत्व आइडियोलॉजी शिवसेना को। ये आप लोगों का असली चेहरा, गला वाला ठीक करिए, वोट कटवा, वोट कटवा आप लोगों, बीजेपी और शिवसेना की टीम। सेक्युलर शब्द को संविधान ने, राहुल गांधी है बीजेपी की टीम, संविधान ने बड़े अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। सभी धर्मों को बीजेपी की टीम से देखा जाना चाहिए, न कि मुसलमान की राजनीति करो, हिंदू की राजनीति करो, नफरत की राजनीति करो, मंदिर की राजनीति करो, मस्जिद की राजनीति करो, मांगोगे और हिंदुत्वा की भूमिका अदा करो, आर्टिकल 3 यही काम है। किस आइडियोलॉजी की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के सामने आपको जवाब मिलेगा करके सेक्युलर लोगों को, नहीं पूरे देश की जनता वोट कटवा की भूमिका अदा की है। ओवैसी जी ने ठगा है ना, ओवैसी जी ने हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित किया है, देश की जनता जरूर देगी। ओवैसी जी ने हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित किया है, राजनीति को कलंकित किया है, सेक्युलरिज्म को कलंकित किया है। आप और कांग्रेस दोनों ने सेक्युलरिज्म का परिभाषा पढ़िए बारिश पठान साहब, सेक्युलरिज्म को पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्युलरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जो हमेशा सभी धर्मों के प्रति लड़ी है, समान भाव, शिवसेना को आपने समर्थन दिया है, सम्मान का भाव होना चाहिए सभी धर्मों के प्रति। सेक्युलरिज्म का मतलब सेक्युलरिज्म को आपने शर्मिंदा कर दिया है। एनसीपी के एनसीपी और आपने शिवसेना के साथ अगर आप जाते हैं, लेकिन चिट्ठी भेजी नहीं संजय आपने, लेकिन शर्मिंदा कर दिया संजय। संजय आवाज आ रही है मेरी, लगता है फोन डिस्कनेक्ट है, चिट्ठी भेजने की तैयारी हो रही है या, और लेकिन इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाता है क्योंकि मराठी में चल रही है, हम आपको कुछ देर में बताएंगे। संबित पात्रा, कोई भी सेक्युलर नहीं रहा, अभी जब तक संजय जी वो मोबाइल फोन में चिट्ठी डाउन,
हाँ कोई नहीं, देखिए जब तक संजय झा जी वो मोबाइल फोन में चिट्ठी डाउनलोड नहीं कर लेते हैं मैं बोल लेता हूँ। देखिए अभी सेक्युलरिज्म को लेके बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी, ये जंग देख के तो मुझे लग नहीं रहा था कोई किसी को चिट्ठी भेजने वाला है। ये टीवी पर ही सरकार नहीं बन पा रही है तो ये असली सरकार कैसे बनेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बड़ी बात है, आप देखिए सेक्युलरिज्म को लेके बहुत दिलचस्प बात हुई। अभी अभी जो राजीव जी है उन्होंने कहा मंदिर और मस्जिद की बात करने वाले सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। देखिए बड़ा आश्चर्य लग रहा था मुझे, यहाँ पांडे जी बैठे हुए हैं, शिवसेना तो गर्व से कहती है हमने बाबरी मस्जिद गिराया है, हम अयोध्या जाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, और यहाँ राजीव जी बोल रहे थे देखो सेक्युलरिज्म उनसे सीखो, ये सेक्युलरिज्म होता है, तुम तो बदमाश हो, तुम्हारे पास सेक्युलरिज्म नहीं है। देखिए किस प्रकार से सेक्युलरिज्म की नाना प्रकार के डेफिनेशन यहाँ पर होने वाला है। एक बार राजीव जी से पूछिए, राजीव जी ये डेफिनेशन बाबरी मस्जिद गिराने वाला बदलेंगे या फिर पांडे जी उस डेफिनेशन को बदलेंगे। वीर सावरकर को एक वीर कहता है तो दूसरा कायर कहता है, अब शिवसेना उस स्टैंड को बदलेगी या राजीव जी सावरकर जी को अब वीर कहना शुरू करेंगे, जरा जरा इनसे पूछ लीजिए। तो क्यों मैं मेरा संजय झा है, बहुत सारे सवाल है संजय झा से पूछने के लिए। संजय ओवैसी साहब की पार्टी कहती है कि कांग्रेस और एनसीपी ने सेक्युलरिज्म को ताक पे रख दिया, राहुल गांधी सोनिया गांधी अब बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, एनसीपी बीजेपी की बी टीम है। मैं अमित जी मैं इतना ही संक्षेप में कहूंगा कि दुनिया जानती है कि ओवैसी जी की पार्टी आरएसएस और बीजेपी की बी नहीं तो सी टीम नहीं तो डी ग्रेड टीम है, उससे ज्यादा उस पर मुझे कोई भी मुझे प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। सेंटर में गठबंधन में थे ना, 9 साल तक गठबंधन में रहे। जी जी एक एक संजय को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात, आप क्यों पाले हुए थे उनको अपने आंगन में? संजय लेकिन ये समर्थन की चिट्ठी आपने क्यों नहीं दी अभी? क्यों आंगन में पाले हुए थे 9 साल तक इनको? एक सेकंड समय, ये समर्थन की चिट्ठी आपने क्यों नहीं दी? हालांकि वैसे ये संबित का पॉइंट एक बिल्कुल ठीक है कि आप लोगों ने इन्हीं के सहारे अपनी सरकार चलाई है, ओवैसी के सहारे। मनमोहन सिंह से आप पूछ लीजिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह से। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ चिट्ठी क्यों नहीं दी अभी तक आपने? अमित जी मैं आपका प्रश्न मैं लेने के लिए पूरा तैयार हूँ, लेकिन मैं संबित जी को फटाफट जल्दी जवाब दे देता हूँ कि देखिए बनावटी और पाखंडी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। जो पीडीपी के साथ गठबंधन बनकर एक सरकार बना ले जम्मू कश्मीर तो में, और दुष्यंत बड़ी खबर चौटाला दोनों पार्टियों से अधिक चर्चा के बाद आगे निर्णय लेंगे। अहमद पटेल ने बोले राष्ट्रपति शासन की हम कड़ी आलोचना करते हैं, केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी की है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा गया है, कांग्रेस को न्योता ही नहीं आया, ये गलत बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एनसीपी को न्योता आया, सेना को न्योता आया, कांग्रेस को भी न्योता चाहिए था, ये संजय क्या हो रहा है? आप लोग क्या अपनी सरकार बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वहां पर आपका अपना मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम सेना और एनसीपी का हो, ये हो क्या है? क्योंकि अहमद पटेल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार के बगल में बैठ के बोला है हमें न्योता नहीं मिला। नहीं देखिए अमित जी मैं आपको बता देता हूं, स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्यपाल ने जो भी आज कदम उठाया है वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और हमारा पूरा विश्वास है कि उच्चतम अदालत उसको बिल्कुल खारिज करेगी। पर आपकी पार्टी में तो आपकी पार्टी में केरल कांग्रेस ने बवाल खड़ा करा हुआ है, आंध्र कांग्रेस ने बवाल खड़ा करा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते शिवसेना के साथ आप लोग जाएं, इसका कर्नाटक में आपको नुकसान होगा, केसी वीनु गोपाल नहीं चाहते आप शिवसेना के साथ जाएं, एके एंटनी ने तो खुला विरोध करा इसको लेकर, क्या करिएगा आप लोग? आपकी अपनी पार्टी में एका नहीं है सेना के साथ। आज अहमद पटेल कह रहे हैं कि हमें सरकार बनाने का न्योता मिलता, कांग्रेस की 44 सीटें हैं। अब आप मुझे बताइए अमित जी देखिए सरकार बनाने की जो भी कदम उठाने हैं जो भी प्रक्रिया है वो अभी चालू है, जिसके बारे में हम अभी ज्यादा आप अभी मैं टीवी शो पर नहीं बता सकता। यहाँ पर एक सरकार जरूर बनेगा, फिर तो वारिस पठान भी बोलेंगे दो विधायक हमारे, हमें भी न्योता मिल जाए। लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको, राष्ट्रपति शासन लाना यहाँ पर बिल्कुल गलत है, और ये इसी बात का एक तरीके से मिसाल है कि अगर आपने संजय अगर आपके पास बड़ा नंबर है, अगर आपके पास मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है तो आप अभी भी नंबर लेके जा सकते हैं, सरकार बनाइए वहां पर, कौन मना करेगा आपको? अब बनेगा सरकार, बनेगा मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार बनेगा किसके साथ? सरकार में कौन कौन होगा? आप एक बात, सेना के साथ आप बताएंगे, ये तय हो गया है। अमित जी आंकड़ों को देख लीजिए, आप यदि आप चुनाव के बाद के आंकड़ों को देखेंगे
तो यदि भाजपा सरकार में न हो, जो अब एक एक सच्चाई है, तो उसके बाद बीजेपी का तो गेम ओवर हो गया। आना हाँ, इन तीन पार्टियों का आना, तो कांग्रेस गेम में कूद जाती है, तो सरकार बनी नहीं सकता ना। बड़ी खबर, कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर। ये एक नई डेवलपमेंट है, ये ऑफिशियल है। कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर। उन्होंने बोला, अहमद पटेल ने क्लियरली बोला, हमें मौका क्यों नहीं दिया गया, हम रेस में हैं और रेस में रहेंगे। मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर हो रहा है, कुछ नंबर्स बदले हैं। कांग्रेस खेल खेल रही है या कांग्रेस के साथ खेल खिलवाया गया है? अहमद पटेल ने तो कहा कि हमें न्योता नहीं मिला, लेकिन उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उद्धव ठाकरे की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने ये कहा कि अभी हम अंदर अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, और मेरे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि विधायकों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने बोला है कि बीजेपी के साथ हमने पूरी लकीर नहीं खींची है, मौका मिला तो हम बात करेंगे, और हमारी अगर मांगे पूरी हुई तो कोई गुरेज नहीं है। यानी ये अगर होता है, ये खबर अगर पुख्ता होती है, तो बात बड़ी खबर होगी। मैं आपको ये बता रहा हूं सोर्सेस के हवाले से, ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते, ये भी कहा गया। पहले एनसीपी कांग्रेस से पूरी बात होगी, ये भी कहा गया। ये इंटरेस्टिंग है, एनसीपी कांग्रेस के बाद शिवसेना से बात होगी, ये भी कहा गया। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया, माफ करिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, राष्ट्र गवर्नर साहब ने आपसे भी नहीं पूछा, आप भी नाराज हैं, आपकी भी दो विधायक हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूं अमीश भाई, कोई भी है सरकार जल्दी बनाए, मैंडेट दिया है पब्लिक ने, 18 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र की हालत सही नहीं है, मराठवाड़ा में आप देखिए किसान भूखमरी से मर रहा है, फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी है। कोई भी बनाओ सरकार, बनाओ ना, हम तो ऑपोजिशन में बैठेंगे। हमने तो साफ साफ कह दिया है, बीजेपी सेना बनाए या सेना कांग्रेस एनसीपी बनाए, हम तो किसी के साथ भी नहीं जाने वाले। हम तो ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे, पर बनाओ तो सही सरकार। कब तक ये आंख मिचोली और खेल खेलते रहोगे? अरे मजाक बना दिया है आपने पूरे महाराष्ट्र देश का। जी ये सवाल है, सत्ता में आने का कांग्रेस को मौका नहीं मिला। कांग्रेस खुद गेम में आना चाहती है। देखिए, हम कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। वारिस पठान साहब अभी आपने दो बातें की, प्रासंगिक है। आप वारिस पठान साहब, आपने अभी कहा कि भाई सरकार बनाए, तो अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार नहीं बनती है तो फिर सरकार तो कांग्रेस एनसीपी और सेना की बनेगी। जो सेना को समर्थन दे करके सरकार बन रही है, उसको आप कह रहे हैं कि ये सेक्युलर सरकार नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, तो फिर सरकार बनेगी कैसे? वारिस पठान साहब, अगर सरकार बननी जरूरी है आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार बनेगी कैसे? संबित अहमद पटेल कह रहे हैं कि हमें मौका क्यों नहीं दिया गया, कांग्रेस खुद चाहती सरकार में आना। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अभी हम बीजेपी के संपर्क में, ये तो गेम हो गया पूरी तरह से, ये तो पासा पलट गया महाराष्ट्र में, पासा पलटा है। मैं आपको कह रहा था, मैं ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा, बड़ी खबर बताऊंगा। संबित पात्रा, रिएक्शन टू इट, संबित पात्रा, योर्स विल बी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, क्विकली, बीजेपी से हम संपर्क में, क्विकली संबित। नहीं, वो देखते हैं ना, ये तो अभी सोर्सेस के माध्यम से ठीक है, अच्छी बात है, संपर्क में है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। एनसीपी देखिए अनिल भाई, आपके होश उड़े हुए हैं अभी, केंद्र में अरविंद सावंत जी को दे करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया था क्या शिवसेना को? क्या जेडीयू को सम्मान तो दिया? अभी तो इसी डिबेट में योगदान कर रहे थे, क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात है? पांडे जी देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ सबको उचित सम्मान मिलना चाहिए लोकतांत्रिक संस्थाओं में। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्थिति खराब है सेना की, बहुत स्थिति खराब है। आत्ताच मी आपल्यासमोर येण्यापूर्वी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची पत्रकार परिषद पाहिली। पहिल्या प्रथम गेल्या 2-4 दिवसांमध्ये ज्या काही घडामोडी घडल्या त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं बोलू। मला असं वाटतं, मी रविवारी इथे आलो होतो माझ्या आमदारांना भेटायला,
आणि इथून संध्याकाळी घरी परतत असताना कानावरती बातमी आली की काल संध्याकाळपर्यंत म्हणजे सोमवार संध्याकाळी 7:30 आपल्या राज्यातल्या कालच्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून जो निवडून आलेला आहे भारतीय जनता पक्ष, त्याला माननीय राज्यपालांनी सत्ता स्थापनेसाठी बोलवलं होतं. ती मुदत काल 7:30 संपत होती. आमची साधारणतः अपेक्षा हीच होती की त्याच्यानंतर आम्हाला बोलवलं जाईल, परंतु तत्पूर्वीच म्हणजे ती मुदत संपायच्या आधी 24 तास आमच्या हातामध्ये संध्याकाळी पत्र आलं आणि त्या पत्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वेळेमध्येच आम्हाला ती वेळ देण्यात आली. आश्चर्य म्हणजे सर्वात मोठ्या पक्षाने असमर्थता दाखवल्यानंतर नंबर 2 पक्ष जो शिवसेना आहे त्याला आमंत्रित करण्यात आलं आणि त्या पत्रात असं म्हटलं होतं की आपण जर का दावा करू शकत असाल, दावा करू इच्छित असाल, तर काल संध्याकाळी 7:30 आपल्याला पाठिंबा देणाऱ्या, समर्थन देणाऱ्या पक्षाच्या आमदारांच्या नावानिशी आणि सह्यानिशी तुम्ही हा दावा आमच्याकडे द्या. मला आज जी काही पत्रकार परिषद काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची झाली त्याच्यामध्ये जी एक गोष्ट ठळकपणाने सगळ्यांच्या समोर आलेली आहे ती काल पहिल्या प्रथम अधिकृत शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्यासंदर्भात संपर्क केला. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण आमच्या मित्रपक्षाने जे काही सांगितलं होतं की त्यांना संपर्क करायला शिवसेनेकडे वेळ नाही, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर दिवसातनं 3-3 संपर्क केला जातो, त्याला ते मिळालेलं एक उत्तर होतं. आणि काल आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना भेटून हीच विनंती केली होती की आम्ही सरकार बनवू इच्छितो, तो दावा आमचा आजही कायम आहे. पण दावा केल्यानंतर महाराष्ट्रासारख्या किंबहुना कोणत्याही राज्याचं सरकार स्थापन करणं आणि ते स्थिरपणाने चालवणं हा काही पोरखेळ नाही आहे. त्याकरता आम्हाला 48 तासाची मुदत पाहिजे होती आणि ती मुदत एवढ्यासाठी की काल आमच्याकडे या दोन्ही पक्षाची पत्र नव्हती, हे आज सुद्धा स्पष्ट झालेलं आहे. आणि ती पत्र एवढ्यासाठी नव्हती की काही मुद्द्यांवरती जसं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला स्पष्टता पाहिजे तशी शिवसेनेला देखील स्पष्टता पाहिजे, आणि ती स्पष्टता आल्याशिवाय आम्ही तिघं एकत्र येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच आम्ही 48 तासाची एक मुदत मागितली होती. माननीय राज्यपाल, मला असं वाटतं गेल्या अनेक वर्षांमध्ये एवढी दयावान व्यक्ती महाराष्ट्राला राज्यपाल म्हणून लाभली नसेल, कारण त्यांना जेव्हा आम्ही सांगितलं की आम्हाला 48 तास पाहिजे तर ते म्हणाले 48 तास तुम्हाला काही देणार नाही, तुम्हाला 48 तासापेक्षा जास्त म्हणजे मी 6 महिन्याची मुदत देतो. मला हे काय त्यांचं गणित कळलेलं नाही. एवढा दयावान माणूस जर का सगळ्या राज्याला राज्यपाल म्हणून लाभला तर त्या राज्याचं नक्कीच भलं होईल ही मला खात्री आहे. आणि मग आता हा 6 महिन्यांचा जो काही काळ आम्हाला मिळालेला आहे, ह्या काळामध्ये शिवसेना आहे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आम्ही एकत्र बसू आणि मग किमान काय तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वगैरे जो काय असतो त्याच्यावरती विचार करून आम्ही सरकार बनवण्यासाठी दावा जो आमचा कायम आहे तो पुढे नेऊ. प्रश्न असा आहे की शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी, जसं शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष ह्या एका विचारधारेच्या 2 शक्ती आहेत, 2 पक्ष आहेत. आम्ही एकत्रित 25-30 वर्ष राहिल्यानंतर ज्या पद्धतीने जे काय चाललं आहे जगासमोर मी काही वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही, पण वेगळ्या विचारधारेचे पक्ष हे एकत्र कसे काय येणार हा सगळ्यांसमोर पडलेला प्रश्न आहे. आणि म्हणून आम्हाला 48 तास एवढ्यासाठी पाहिजे होते आणि आता 6 महिने तर आम्हाला खूप मुदत मिळालेली आहे. मी भाजपा आणि मुफ्ती महमद एकत्र कसे आले, ती विचारधारा कशी एकत्र आली ते सुद्धा करार मागवलेला आहे. नितीश कुमार आणि भारतीय जनता पक्ष कसे एकत्र आले, ती सुद्धा विचारधारेची एक मिलाफ कसं झालं तो मागवलेला आहे. रामविलास पासवान आणि भाजपा कसे एकत्र आले, चंद्राबाबू म्हणजे जे मोदी हटाव म्हणणारे चंद्राबाबू आणि भारतीय जनता पक्ष कसे एकत्र आले होते, ह्या विचारधारा कोणत्या संगमावरती एकत्र आल्या, ही सगळी मी माहिती मागवलेली आहे. आणि ही सगळी माहिती एकत्र केल्यानंतर मग आम्ही भिन्न विचारधारेचे पक्ष एकत्र कसे येऊ हे आमचं आम्ही ठरवू आणि जे ठरेल ते ठरल्यानंतर आम्ही पुन्हा आमचा जो काही दावा आहे तो करू आणि आपल्यासमोर येऊ.
मुख्यमंत्री पदाचा जो महत्त्वाचा हे असणार आहे, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत चर्चा करताना मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह कायम राहणार आहे आणि तो किती वर्षांसाठी काय असणार? या सगळ्या गोष्टीबद्दल मी मुळामध्ये सांगितलेलं आहे की भारतीय जनता पक्षाने आमच्या बरोबर ठरवलेल्या काही गोष्टी ज्या होत्या त्याच्यामध्ये नक्कीच 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्री पद हे आमच्या युतीमध्ये ठरलेलं एक महत्त्वाचं एक काय एक पद होतं किंवा गोष्ट होती. आणि एकूणच त्यांनी स्वतः खोटं बोलून मला खोटं ठरवण्याचा जो प्रयत्न केला तो मला संतापजनक आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आत्ता पहिल्या प्रथम काल मी अधिकृत बोललो हे सगळ्यांसमोर आलं म्हणजे मी सत्तेच्या लोभापायी किंबहुना एखाद्या काहीतरी वेगळं काहीतरी मला लालूच दाखवले गेले आणि म्हणून मी त्यांच्या नादी लागलो आहे असं काही नाही. पण मी असं ऐकलं, खरं खोटं मला माहीत नाही, परवा भारतीय जनता पक्षाने जेव्हा असमर्थता दाखवली तेव्हा चंद्रकांत पाटलांनी आम्हाला आघाडीसोबत जाण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या असं मी ऐकलं, खरं खोटं मला माहीत नाही. बरोबर ना? तर आता एकदा त्यांनी मित्र मानला नाही तरी आम्ही त्यांना मित्र मानत होतो किंवा आहे आणि मित्रांनी शुभेच्छा दिल्या आणि मित्रांनी जर काही जर का आम्हाला दिशा दाखवली असेल तर त्या दिशेने न जाणं हे मित्रत्वाला कुठेतरी कलंक लागलं. अरे एक एक संपर्क केल्यानंतर दर प्रत्येक संपर्कामध्ये नवीन नवीन गोष्टी ठरवल्या जाणार असतील तर त्या संपर्काचा काय अर्थ नाही. माझं म्हणणं असं आहे की हिंदुत्व ही आमची एक विचारधारा आहे आणि हिंदुत्वाला वचनबद्धता हे फार एक महत्त्वाचं त्याच्यामध्ये एक मी म्हणेन एक कलम आहे. आणि म्हणून मी मागेही म्हटलं होतं की राम मंदिर जरूर आम्हाला राम मंदिर पाहिजे. का पाहिजे? तर देशात रामराज्य आहे. जसे प्रभू रामचंद्र हे सत्यवचनी होते, एकवचनी होते, वचन दिल्यानंतर पाळणारे होते, तर आम्ही राम भक्त आहोत आणि मग आम्हाला राम मंदिर पाहिजे असं म्हटलं तर ते योग्य ठरेल. पण नुसतं राम मंदिर पाहिजे आणि दिलेली वचनं पाळायची नाहीत तर हे काय हिंदुत्व होऊ शकत नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आत्ता एक राजकारण नव्या दिशेने जाऊ शकत असेल तर त्याची सुरुवात होते आहे, थोडंसं थांबून सगळ्यांनीच वाट पाहायला हरकत नाही. नाही, ज्या गोष्टी मला करायच्या असतील त्यावेळेला मी त्या बेधडकपणाने करेल. पण आता जेव्हा जेवढं मी बोलतोय तेवढं मी बोलतोय. मला एक मिनिट. पहिल्या प्रथम मला अरविंद सावंत यांना धन्यवाद द्यायचे आहेत कारण अनेकांना मंत्रिपदाचा मोह असतो पण हा शिवसेना प्रमुखांचा कडवट शिवसैनिक जिथे मंत्रिमंडळात ज्या मंत्रिमंडळात ते होते त्या पक्षाकडनं आपल्या पक्षाला जसं एक विचित्र वागणूक मिळते ती सहन न झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. अरविंद, तुमचा मला शिवसेना प्रमुखांचा शिवसैनिक म्हणून अभिमान वाटतो, गर्व आहे आणि असे शिवसैनिक माझ्यासोबत आहेत ती माझी शक्ती आहे. प्रस्ताव नाही, मी त्यांना हेच सांगितलं की बाबा एक नवीन सुरुवात जर का करायची असेल